गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम संतोष कुमार। तो आज हम लोग जो है सेकंड लेक्चर को पढ़ेंगे, और पहले लेक्चर में हम लोगों ने हैमर के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम लोग जो है इन्वर्टेड हैमर के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। ठीक है ना? तो ये देखिए, इन्वर्टेड हैमर, जो हैमर होता है, अगर हैमर को हम लोग उल्टा कर दें तो उसके नाम में भी लग रहा है कि इन्वर्टेड, तो मतलब वो हैमर ही है। उसको अगर उल्टा कर दें तो इस टाइप का पैटर्न बन जाता है, जिसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ठीक है ना? ये बनता कहाँ पे बने, मतलब अगर ये इन्वर्टेड हैमर, मगर मार्केट कंटिन्यू गिर रही है, ठीक है ना, मतलब कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट कंटिन्यू गिर रही है, और गिरने का मतलब क्या है कि सेलर बायर की अपेक्षा ज्यादा है, ठीक है ना। देखिए मार्केट में क्या होता है, सेलर होते हैं और बायर होते हैं। अगर सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट गिरने लगेगी, अगर बायर ज्यादा होंगे तो मार्केट बढ़ने लगती है। तो एक समय के बाद, या ये मार्केट जब गिर रही है, कंटिन्यू गिर रही है, देखिए, तो एक समय के बाद कुछ लोगों को लगता है कि अब ये जो है यहाँ बहुत गिर चुका, अब ये सस्ता हो गया, अब मुझे यहाँ पे खरीदना चाहिए, ठीक है ना। उस केसेस में क्या होता है कि धीरे धीरे जो होता है वो बायर आने लगते हैं, और मान कीजिए, ये देखिए यहाँ पे बायर, पहले बायर ने मार्केट को यहां तक ले गए, और फिर ऊपर सेलर आए, फिर बायर आए। तो अगर सेलर इस पॉइंट में ज्यादा थे मैक्सिमम, ठीक है ना, इसके बाद ऊपर ले गए, फिर नीचे ले गए, लेकिन कंसोलिडेशन में ये इस पॉइंट के आसपास में यहां पे क्लोज हुई कैंडल, तो ये एक प्रकार का इन्वर्टेड हैमर बन गया। इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो ट्रेंड रिवर्सल होता है। अगर डाउन ट्रेंड है तो उसको अप ट्रेंड करता है, अप ट्रेंड है तो उसको डाउन ट्रेंड करेगा, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल, क्योंकि यहां डाउन ट्रेंड था, तो इन्वर्टेड हैमर को हम लोग डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ घूमने वाले ट्रेंड रिवर्सल के रूप में इसको जानेंगे, ठीक है ना। तो पिक्चर आपको क्लियर हो गई कि इस टाइप की पिक्चर बनती है। मैं ये सारे लेक्चर को एक सूत्र में पढ़ा रहा हूं कि मतलब आपको याद करने में आसानी हो। जैसे हैमर से स्टार्ट करें, तो अगर हैमर सीधा बना है और हैमर नीचे बना है चार्ट में, मतलब मार्केट के गिरने के बाद बना है, तो वो मार्केट को ऊपर ले जाता है, ठीक है ना। इन्वर्टेड हैमर अगर नीचे बना है, गिरने के बाद बना है, तो वो भी मार्केट को ऊपर ले जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए एक पिक्चर ये है, मतलब डाउन ट्रेंड, ये मार्केट गिरा, थोड़ा पुल बैक लिया, फिर गिरा, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, लेकिन फाइनली उसने अगर ये पिक्चर बना दी है। अच्छा देखिए, इसमें कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इस कैंडल का कलर ग्रीन है या रेड है, तो उससे इसके बिहेवियर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वो ट्रेंड रिवर्स करने के चांसेस इसके रहते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर की अगर डेफिनेशन के रूप में देखेंगे, कि या समझने के रूप में देखेंगे, तो क्या हुआ, द इन्वर्टेड हैमर इज ए टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न फाउंड आफ्टर ए डाउन ट्रेंड एंड इज यूजुअली टेकन टू बी ए ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, जो कि मैंने भी पहले बताया था भैया। द इन्वर्टेड हैमर लुक्स लाइक एज अपसाइड डाउन वर्जन ऑफ द हैमर, मतलब ये हैमर का अपोजिट है, ठीक है ना। और ये शूटिंग स्टार भी बनेगा, हम आने वाले समय में बताएंगे ये शूटिंग स्टार कब होगा, हो सकता है कि तीसरे या चौथे लेक्चर में शूटिंग स्टार का आएगा। तो अगर ये हैमर जो है इन्वर्टेड हैमर,
अगर ऊपर बन जाता है तो उसको शूटिंग स्टार कहते हैं, उसी का वर्जन है। अब देखिए ये चार्ट है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये गिरा यहां से, मार्केट ऊपर गया, इसी प्रकार ये भी देखिए गिरा फिर ये ऊपर ले गया, फिर देखिए ये वाला है हमारा, ये गिरा मार्केट गिरी और इसने ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर करा दिया। ये भी देखिए ये गिरा और इसने मार्केट को ऊपर करा दिया, ठीक है ना। तो ये इन्वर्टेड हैमर चार्ट में कैसे खोजते हैं, उसका कैसे होता है, वो मैंने आपको एक पिक्चर के माध्यम से बताया। अब दूसरी पिक्चर देखते हैं, एक पिक्चर ये मैंने सेलेक्ट करी है, ये देखिए ये हैमर बना है, अच्छा खासा मार्केट गिरा और यहां से धीरे से करके ऊपर ले गया। तो जब ये अगर किसी को ट्रेड लेना है तो जहां पे इन्वर्टेड हैमर बनता है उसकी लास्ट शेडो से थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और वहां से बाय पोजीशन कैरी करते हुए ऊपर की तरफ ले चलेंगे, ठीक है। अब इसको जो है एक लाइफ चार्ट में देखते हैं, देखिए ठीक है लाइफ चार्ट में, जैसे भी मैं कोई खोल लेता हूं, ये मैंने मिनी गोल्ड का लाइव चार्ट खोला हुआ है देखिए, ठीक है ना। तो इसमें ढूंढते हैं जरा कहां कहां पे भाई इन्वर्टेड हैमर बना है। तो मेरे को क्या देखा, एक तो ये वाला देखिए, यहां के बाद ऊपर गया, ये चार्ट 15 मिनट का है, ठीक है। यहां पे तो कई सारे दिख जाएंगे आपको, ये बना ऊपर ले गया, इसका ये ग्रीन वाली कैंडल देखिए, ये भी इन्वर्टेड है हमारे, और इसको यहां तक ले गया, लेकिन ये इसका रेजिस्टेंस था तो वहां से घुमा दिया, लेकिन इन्वर्टेड हैमर ने अपना काम किया। अब अवर्ली चार्ट पे इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर ढूंढते हैं, देखिए तो अवर्ली चार्ट पे ये देखिए, ये देखिए यहां से ऊपर ले गया, यहां से ऊपर ले गया, ये इन्वर्टेड है मेरे, गिरा और फिर ऊपर ले गया, ठीक है। ये इन्वर्टेड है मेरा, गिरा फिर यहां तक ऊपर ले गया, और देखते हैं। अब इसी को डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, देखिए अभी इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, एक मिनट अवर्ली चार्ट पे दिखाते हैं पहले, अभी जो बन रहा था लाइव चार्ट है तो लाइव चार्ट में आपको ज्यादा एक्साइटमेंट आएगा। देखिए देखिए अगर ये 6:30 बजे अगर ये इन्वर्टेड हैमर में कन्वर्ट हो जाता है तो आप खुद ही देखिएगा कि ये फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। डेली चार्ट में देखते हैं, ये इन्वर्टेड हैमर यहां बना ऊपर ले गया, ये गिरा, ये इन्वर्टेड हैमर बना ऊपर ले गया, गिरा, ये देखिए यहां से कंटिन्यू। मतलब इन्वर्टेड हैमर को देखने का भी तरीका होता है कि ये पहली बात तो बॉटम के आसपास बनेगा, गिरावट के बाद बनेगा, ठीक है ना। ये बना एक, ये छोटा सा ये इन्वर्टेड हैमर बना है, ये ऊपर ले गया, ये ग्रीन वाला इन्वर्टेड हैमर बना है ऊपर ले गया,
और तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हैमर बना है, ये इन्वर्टेड हैमर बना है, ये छोटा सा इन्वर्टेड हैमर बना है और ये ऊपर ले गया, ठीक है ना। तो खोजना काफी इजी है इन्वर्टेड हैमर को, ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बात तो है मार्केट के गिरने के बाद वो इन्वर्टेड हैमर बनता है और फिर वहां से वो मार्केट को ऊपर ले आता है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हो गया इन्वर्टेड हैमर। अगर किसी को कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप लोग इसको लिख सकते हैं, और किसी टॉपिक पे करना है तो अगर वो टॉपिक मैं कवर नहीं करने वाला होऊंगा तो मैं आपके लिए वो टॉपिक क्रिएट कर दूंगा, वो आपके लिए उसका वीडियो बना के उसको अपलोड कर देंगे। कोई कंफ्यूजन हो चार्ट में वो आप लोग पूछ सकते हैं आप कमेंट्स के रूप में, और अगर ये ऐसे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये जितने भी मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ उन्हें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बोलिए कि वो लोग सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इतनी सिंपल भाषा में इसको समझा रहा हूँ कि जो नॉन टेक्निकल लोग भी हैं वो भी उसको सीख सकें, और लाइव चार्ट के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से मैं पूरी से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा समझाया जाए। अगर फिर भी समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट्स में लिखिए, मैं उन्हें उस लेक्चर को दोबारा बना के दोबारा पोस्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।